ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस रिजोनेंस इन ए ग्लास ट्यूब, रिजोनेंस ग्लास ट्यूब, रिजोनेंस ट्यूब कभी कभी किसी किसी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, कोई कोई उड़ा देता है। रिजोनेंस ट्यूब क्या होती है? रिजोनेंस ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसमें साउंड की स्पीड एयर में एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, साउंड की जो स्पीड है एयर में एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, या दो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने में जो ट्यूब यूज होती है उसको हम रिजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। अब इस अगर ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़े हो कुछ इस टाइप का होता है, अगर मैं इसमें ये ट्यूब है इसमें लिक्विड भर देता हूं मैं वाटर, और इसको हम बोलते हैं यहां से देखो, यहां हमने वाटर भर दिया, क्लोज्ड आर्गन पाइप है, एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, इधर मैंने वाटर भर दिया, तो यहां से लेके ऊपर ये वाली जो लेंथ है वो एक क्लोज आर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है, और ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया जाता है। ठीक है, अब मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करता हूं, इसमें एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा, एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाएगी तो रिजोनेंस हो जाता है, और उस रिजोनेंस को मैं बोलता हूं फर्स्ट रिजोनेंस। तो फर्स्ट रिजोनेंस के केस में इस एयर कॉलम में कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है इस टाइप से। अब सेकेंड रिजोनेंस के इस लेंथ, ये जो लेंथ होती है रिजोनेंस लेंथ, दैट लेंथ इज वेरिएबल। तो अगर सेकेंड रिजोनेंस के केस में ये कुछ वाटर के लेवल में थोड़ा कम कर देता हूं, यहां हमेशा नोड बनेगा, यहां हमेशा एंटी नोड बनेगा, ये हमेशा नोड बनेगा, एक और नोड बनेगा, तो ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कुछ ऐसा आ जाता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं सेकेंड रिजोनेंस। ये हमारा सेकेंड रिजोनेंस, और ये क्या है? फर्स्ट रिजोनेंस। फर्स्ट रिजोनेंस ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर ही ऐसा है कि बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये फर्स्ट रिजोनेंस, ये सेकंड रिजोनेंस, ये रहा एक्सपेरिमेंट। अब अगर आप पढ़े हो डायरेक्ट और इसका रिजल्ट याद है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को रिजल्ट यूज भी कर सकते हो कि डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो कि स्पीड जो होती है साउंड की स्पीड, टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई एल टू माइनस एल वन, एल टू एल वन जो है वो दो लेंथ है जो 20 सेंटीमीटर, टू सक्सेसिव रिजोनेंस है, एक 20 सेंटीमीटर पे एक 70 सेंटीमीटर पे है लेंथ कॉलम, ये है L1, ये है इसको L2 मान देता हूँ, इसको L1 मान देता हूँ। तो अब अगर ये आपको रिलेशन याद है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लोगे, नहीं याद है तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। चलो अभी तो ऐसे ही लिख दो, तो टू और एच फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई होगी, देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, ये एफ क्या है? ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 332 है, तो ये आ जाएगा 332 और मल्टीप्लाइड बाई ए 73 और माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 339 अप्रॉक्सीमेटली 339 ये मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। एफ क्या है? ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, या रिजोनेंस पे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती है, तो ये एल टू एल टू। दूसरा मेथड ये है कि अब आपको ये बात पता ही नहीं, ये आपको क्वेश्चन याद ही नहीं है, तो सेकेंड मेथड है जो हम इसको करेंगे। चलो इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं जिसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फर्स्ट रिजोनेंस के केस में इसमें एक ही नोड बनेगा इस टाइप से, और सेकेंड रिजोनेंस के केस में इसमें दो नोड बनेंगे ऐसे कुछ। और चलो पहले लेंथ में देखो, L1 है 20, सॉल्व करो इसको, L1 है, ये है 20 सेंटीमीटर और ये लेंथ आ गया। अब यहाँ हम सबको पता है कि नोड ऑलवेज बनता है, यहाँ ऑलवेज नोड बनेगा, यहाँ ऑलवेज एंटी नोड बनेगा, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है यार? लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 4 एंड दैट इज L1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड यहाँ नोड बना, यहाँ नोड बन गया और यहाँ भी नोड बन गया और यहाँ एंटी नोड बन गया,
तो ये आ जाएगा अपना लैम्डा बाई फोर और ये लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा बाई फोर। तो जो लेंथ इस पूरे लेंथ L2 जो दिखेगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो L2 दिखेगा, तो ये नोड है और ये भी नोड है, तो ये लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, तो ये आ जाएगा थ्री लैम्डा बाई फोर, दैट इज लेंथ L2 इक्वेशन नंबर टू। तो ये हम लोगों के पास दो इक्वेशन मिल गया। अब देखो, अगर हमें दो इक्वेशन मिल गया तो हमें क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब वेवलेंथ निकालने हैं हम लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो यहां से डिफरेंस L2 माइनस L1 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, मतलब यह आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 L2 माइनस L1, ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ, लैम्डा आ गया। अगर मुझे लैम्डा पता चल गया तो मैं स्पीड तो निकाल ही सकता हूँ ना भाई, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू 2 और ये आ जाएगा L2 माइनस L1। कुल मिला के अगर अच्छे से देखोगे तो V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, जो पहले वाला डायरेक्ट फार्मूला लिखे थे उसको एक तरह से हमने डिराइव कर लिया, डेरिवेशन हो गया। तो अब इसमें सारी वैल्यू रख दो, 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क या एयर कॉलम, क्योंकि रिजोनेंस पे दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, तो यह आ जाएगा 332 दिया हुआ है, कितना है, तो ये 332 और ये माइनस 73 माइनस 20 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 2, तो कुल मिला के इसको सॉल्व कर लोगे अप्रॉक्सीमेटली 339 मीटर पर सेकेंड इस साउंड की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये बात आपको एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हो गया होगा कि दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्यूनिंग फोर। अगर नहीं पढ़े हो तो इसको जाके फिर से अच्छे से पढ़ो, रिजोनेंस ट्यूब। चलो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप, अब आपको समझ में आना, दो आर्गन पाइप आप पढ़े होगे, एक ओपन आर्गन पाइप एक क्लोज।